हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर पर गमला कैसे बनाएं बिना किसी पैसे के, और अपने घर के कूड़े से जो आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं उससे आप गमला सिर्फ 5 मिनट में कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक खाली डिटर्जेंट पाउडर का कवर है। ऐसे कवर आपको नमकीन के भी मिल जाएंगे, ऐसे कवर आपको जो जिससे आप बर्तन धोते हैं साबुन उसके भी मिल जाएंगे। काफ़ी तरीके का सामान इस तरह की पैकिंग में आता है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसको काटना कैसे है और इसके अंदर पौधा कैसे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से बराबर इसको काट लेना है, थोड़ा सा जान लगा के आपको ये काटना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमने इसको बराबर ऊपर से काट लिया है, ये रहा ऊपर का इसका हिस्सा। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कि इसके अंदर आप पानी निकलने के लिए आप छेद कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको अंदर से अच्छे से पहले धो लेना है, नहीं तो इसके अंदर सर्फ एक्सल या जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अंदर रह सकता है और आपकी मिट्टी या पौधे को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप सबसे पहले इसको अच्छे से धो लें, ताकि मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, पूरा साफ़ है मेरा। तो अब मैं आपको इसके अंदर सेकंड स्टेप में बताऊंगा कि इसके अंदर छेद कैसे करें। जो मैं छेद कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन से, पर आप इसके लिए पेचकस यूज़ कर सकते हैं, कैंची यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी नोकेली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितने छेद करें। ये हमारा जो पैकेट है लगभग 2 किलो का पैकेट है, तो इसके अंदर आपको कम से कम इस हिस्से में आपको 4 छेद करने पड़ेंगे दोनों तरफ से, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, और कम से कम 2 छेद नीचे पानी निकलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप छेद अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने बड़े आसानी से इसके अंदर कर दिए 2 छेद, यहाँ पे भी ये देखिए। ये देखिए हमारे 4 छेद हो गए हैं। तो इसको आप पहले एक बार खोल लीजिए ताकि ये चिपके नहीं दोबारा, ये हमने खोल लिया है। तो अब हम नीचे छेद करते हैं। नीचे चाहे आप 2 छेद करें, 3 छेद करें, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बड़ा पैकेट है तो आपको ज़्यादा छेद करने हैं, ताकि जो पानी है वो ढंग से निकल सके, जल्दी निकल सके, पौधे में ना रुके। तो आप देख सकते हैं नीचे भी हमारे छेद हो गए हैं और साइड दोनों साइडों में भी छेद हो गए हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना सा करना है, पौधा लाना है, इसके अंदर मिट्टी भरनी है और ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये जो हमने अभी आपको दिखाया सर्फ एक्सल से बना के, तो ये दूसरा एक पैकेट है हमारे पास नमकीन का, तो उसको भी हम सेम वही करना है आपको, ऊपर से काटना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 छेद करने हैं। अगर आपके पास छेद करने के लिए सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप कैंची से भी हल्का हल्का यहाँ कट लगा सकते हैं, आप स्क्रू ड्राइवर से भी लगा सकते हैं, आप चाकू से भी लगा सकते हैं गर्म करके, जैसा भी आपके पास संसाधन हो। तो ये आपको सीधा ऐसे छेद करना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये छेद करते ही आप एक बार इसको ऐसे खोल लें, नहीं तो ये चिपक जाएगा दोनों ऐसे। तो ये हमारा एक पोर्टेबल ग्रोइंग बैग कह लें, या छोटा गमला, या हैंगिंग गार्डन के लिए एक एक गमला हमारा तैयार हो गया है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं YouTube पे। धन्यवाद।